शासन के निर्देश पर शुक्रवार की रात्रि 9 बजे से सोमवार की सुबह 7 बजे तक लागू साप्ताहिक बंदी के तहत शनिवार को महानगर की सभी दुकानें बंद रहीं। साहबगंज मंडी, रीजनल स्टेडियम रोड, सिविल लाइन, यूनिवर्सिटी चौराहा और आरटीओ तिराहा पर पुलिस द्वारा वाहनों का चेकिंग कर साप्ताहिक बंदी का उल्लंघन करने वालों का चालान भी किया गया और लोगों को चेतावनी भी दी गई कि कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन ना किया जाए, नहीं तो विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसके संबंध में एडीएम सिटी राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि शासन के निर्देश पर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन जारी है, जिसका कड़ाई से पालन कराने के लिए पुलिस एवं राजस्व विभाग को निर्देश दिए जा चुके हैं। जनता को केवल जरूरी सामानों के लिए ही निकलने की इजाजत दी गई है। एडीएम सिटी ने कहा कि जो बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं उनका चालान कर कठोर कार्रवाई की जा रही है। एडीएम सिटी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि सुरक्षा ही बचाव है, इसलिए बाहर निकलने से पहले मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें और सुरक्षित रहें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, जी।
शासन के द्वारा शासन के द्वारा सैटरडे और संडे में अभी भी लॉकडाउन जारी है, उसका कड़ाई से पालन कराने के लिए पुलिस विभाग और राजस्व विभाग के मजिस्ट्रेट को कड़े निर्देश दिए जा चुके हैं। जनता को केवल आवश्यकता के लिए दवाई खरीदने के लिए निकलने दिया जाता है, बाकी सभी लोग जो बिना बेवजह निकल रहे हैं उनके खिलाफ धारा 188 का मुकदमा, चालान मास्क न लगाने पर चालान आदि कठोर कार्रवाई की जा रही है। सर अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ, बहुत लोग लापरवाही कर रहे हैं, मास्क नहीं लगाने के खिलाफ। हाँ, मैं सभी आम जनता से, गोरखपुर की जनता से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि अपनी सुरक्षा ही बचाव है, अपने मास्क लगा के ही घर से निकलें और भोजन करने से पहले या पानी पीने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से 40 सेकंड तक धो लें अथवा सैनिटाइज़र से 12 सेकंड तक अच्छे से हाथ को धो लें, तभी आप उसके बाद भोजन करें। अपने साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखें।